राजस्थान भव्य वसुंधरा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी, ग्रामीणों की कहानी, ग्रामीणों की ही जुबानी, मतलब गांव की कहानी ग्रामीणों की जुबानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सहेड़ी के गांव कांसोटी खेड़ा के बारे में हम आज बात करेंगे। कांसोटी खेड़ा के जागरूक नागरिकों ने हमें सूचित किया कि गांव में विगत 5 वर्षों में लगभग 55 लाख के निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किए गए हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर जब हमारी टीम कांसोटी खेड़ा गांव पहुंची तो वहां अनेक ग्रामीण एकत्र हुए, जिन्होंने अपने अपने गली मोहल्लों के बारे में बताया। ग्रामीणों ने ही हमें ये प्रमाण दिया है, ये कंप्लीट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, पूर्णता प्रमाण पत्र जो पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं। ये सहेड़ी ग्राम पंचायत को दिए गए सीसी कंप्लीट सर्टिफिकेट पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रतियां हैं जो हमें ग्रामीणों ने उपलब्ध कराई है। आओ दोस्तों, गांव की कहानी ग्रामीणों की जुबानी, मेरा गांव मेरा देश के अंतर्गत आज हम आपको मिलवाते हैं सहेड़ी पंचायत ग्राम पंचायत के गांव कांसोटी खेड़ा के ग्रामीणों से, जिनसे आप जानेंगे उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी। क्या नाम है आपका? राम प्रमोद। राम प्रमोद, कौन से गांव के हो? कांसोटी खेड़ा। अच्छा, ये कांसोटी खेड़ा में ये आपका घर है, ये गली है आपकी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें कभी गांव नहीं हुआ है, खर्चा कीचड़ में पड़े रहते हैं, बहुत गंदगी रहती है। इस गली में कभी खरंजा हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसके बारे में क्या कुछ सुना है नगर पालिका ग्राम पंचायत ने कभी? शिकायत कर ली सरपंच से, सेक्रेटरी से, कोई नहीं सुनता है। कभी ऐसा सुना है कि ग्राम पंचायत ने यहाँ खरंजा करवा दिया है? क्या कागजों में देखी तो खरंजा मिला है? क्या कागजों में देखा तो उसमें खरंजा मिला है, आरसीसी नाली सहित। नाली सहित आरसीसी किया हुआ बताया है, जबकि यहाँ कोई आरसीसी नहीं? कोई नहीं। ये किस घर से कहाँ तक की सड़क है? घर से राम प्रमोद के घर तक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत गंदगी रहती है, बहुत परेशान रहते हैं। क्या नाम है? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, यही रहते हो? हाँ। ये कौन सा गांव है? कांसोटी खेड़ा। तो इसी गली में ये कभी खरंजा हुआ है इस गली का? नहीं, दो तीन कार्यकाल में नहीं। दो तीन कार्यकाल सरपंच के? हाँ। लगभग कितने वर्ष हो गए हुए? 8-10 वर्ष। 10 वर्ष से इस गली में कोई खरंजा नहीं हुआ है? नहीं। आपने कभी सरपंच से कहा इस बारे में? नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा, मोहल्ले गली वालों ने कभी किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, पता नहीं। पता नहीं। देवी कहाँ जाएंगी? कांसोटी खेड़ा की हो? तो सफाई कर्मचारी हो? सफाई करती हैं? सफाई करते हैं। तो ग्राम पंचायत से कुछ तुम्हें मिलते है? कछु ना मिलते, हम तो रोटी मिलते हैं खाली। गन्ने में तो रोटी मिलते हैं? गन्ने में तो रोटी। तो ये ऐसे कीच खच्चा हो रहा है गलियों में, कहीं खरंजा है क्या? कैसे सफाई करते हो? वैसे ही मतलब कुछ वैसे होगा, सूखो सूखो ताते कुछ झाड़ू मारते। तो गलियों में सब जगह ऐसे ही? ऐसे ही डरे हैं, देख ले तुम बहन, सब कीच खच्चा है। रोग है? हाँ, कीच खच्चा है। कहीं कोई खरंजा सड़क? कछु ना नहीं। इधर देखो, वो खरंजा ना तुम गन्ने का दो है रहे तो क्या है? अच्छा, पूरे गांव में खर्चा है रोज। क्या नाम है आपका? गुड़िया। अच्छा, इसी गली में यही रहते हो? कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये तुम्हारी गली में कभी खरंजा हुआ? कभी नहीं हुआ। तुमने हमेशा ऐसे ही देखा है? कितनी उम्र है तेरी? 12-13 साल से तेने यहाँ कोई खरंजा नहीं देखा? गंदगी रहती है हमेशा, ऐसे ही कीच खर्चा गंदगी रहती है। जोर से बोल, आगे ले उसको। हाँ, ऐसी गंदगी रहती है, बचपन से यही देखा है, इससे बढ़िया। क्या नाम है? पापी राम। ये कांसोटी खेड़ा के रहने वाले हो? हाँ।
तो ये आपके घर से और राम प्रकाश के घर तक खरंजा हुआ बताया है आपकी गली में, ये हुआ है खरंजा? ना भैया, जिस गली में कभी खरंजा हुआ था? ना भैया, कभी हुआ ही नहीं है। कहूँ तो क्यों ना भाई, पहले भाई तो कितने साल हो गए? दो तीन सरपंच ने कर रही, दो तीन सरपंच माने 15 साल, 10-12 साल पहले हुआ होगा कभी, उसके बाद कोई खरंजा नहीं हुआ? नहीं, ना भयो। तो क्या नाम? पातिराम जी। पातिराम। अच्छा दोस्तों, आज आपने देखा धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत सहेड़ी के गांव कांसोटी खेड़ा की हकीकत, जिससे आपको ग्रामीणों ने रूबरू कराया है। दोस्तों, ये बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है कि इस गांव में काम नहीं कराए गए और पैसा उठा लिया गया। लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि अधिकारी इस तरह के मामलों में निष्पक्ष जांच करने के बजाय केवल खानापूर्ति ही करते हैं। इस मामले में प्रशासन जांच करे नहीं करे उसकी मर्जी, हमारा काम है लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना, प्रयास करना कि उस समस्या से ग्रामीण भाई बहनों को निजात मिल जाए। दोस्तों, मेरा गांव मेरा देश के अंतर्गत अगली कड़ी में हम आपको बसेड़ी पंचायत समिति के गांव की ग्रामीणों की कहानी, गांव की कहानी, ग्रामीणों की जवानी बताएंगे। अगली कड़ी में देखें पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत की कहानी। धन्यवाद।